अब आगे महारानी जी, अब चिंता मत कीजिए, युवराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। चंदन जल और औषधि के काढ़े से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। हनुमान ने जब अग्निदेव की पावक होताशिनी वाहनी आदि सेना को अपने भीतर समाहित कर लिया था, सूर्य को निगल लिया था, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद तो अग्निदेव ने उन्हें वरदान भी दिया था कि उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि लावा पीने के पश्चात उनकी देह ताप से भर उठी? हाँ प्रिय, लावा की दाहकता इतनी अधिक होती है कि लौ भी द्रव बन जाए, किंतु इतना लावा पीने के पश्चात भी हनुमान की देह नहीं चली, भस्म नहीं हुई। ये अग्निदेव के वरदान का ही तो प्रभाव था प्रिय। देवी देह की संरचना में जल वायु अग्नि आदि का एक संतुलन होता है, तभी देह सुचारू रूप से कार्य करती है। हनुमान के लावा पीने से उनकी देह में अग्नि तत्व की अधिकता हो गई और जल तत्व न्यून हो गया, इसीलिए हनुमान अस्वस्थ हो गए। आप सत्य कह रहे हैं द्वारकाधीश, आहार का देह और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता ही है। हाँ देवी रुक्मणी, समुद्र मंथन के समय देवेश्वर महादेव ने भी विष पिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था। आहार का गुण धर्म यही है, जिसने खाया जैसा अन्न उसका बना वैसा मन। इसीलिए मनुष्य को आहार के योग्य पदार्थ का ही आहार करना चाहिए। युवराज इसे पीजिए। नानी ये कैसा है? काढ़ा ऐसा ही होता है, औषधि समझ के पी लो, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है। लग रहा है पुत्र? मैं क्या करूं नानी, मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही है। शिष्य शीघ्र जाओ, चंदन जल पुष्प जल एवं शीतल दूध आदि लेकर आओ और युवराज हनुमान की देह पे डालो। युवराज हनुमान, युवराज
आपको कुछ शीतलता मिली? नहीं वैद्यराज जी, अभी भी अग्नि से कुछ जल रही है देह में। कोई औषधि काम न आए, लावा के तप से तपते हनुमान। राज वैद करे हर उपचार, किंतु कैसे धैर्य धरे हनुमान। सब चिंतित और व्यथित है, अब ना सूझे कोई युक्ति। प्रभु हर लो पीड़ा मेरे लाल की, मांजना करती विनती। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं आप? गुरुदेव, आकर्षण कवच को सिद्ध होने के लिए और कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा लंकेश, किंतु कितना ये कहना कठिन है। परंतु इतना अवश्य कह सकता कि इस बार ये रक्षा कवच बिना सूर्य ग्रहण के ही सिद्ध होगा। मेरा तपोबल सिद्ध करेगा इसे। कवच की चमक के साथ ही अब यह यज्ञ पूर्ण होगा। रावण की सहायता करने का अर्थ है संसार में विध्वंस और अति विनाश। देवराज, शुक्राचार्य समस्त असुरों के गुरु हैं, वे रावण के भी गुरु हैं। किंतु गुरुदेव, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उचित मार्ग दिखाना, जबकि वे तो रावण को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव, यदि रावण का रक्षा कवच सिद्ध हो गया तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, सबके लिए वो अवध्य हो जाएगा। उसके आतंक से समस्त सृष्टि राही माम कर उठेगी, असुर राज करेंगे सारे संसार पर। देवराज, देवी सची, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपना गुरु धर्म निभा रहे हैं। वे देव हो, दानव हो या मानव, सबको अपने कर्म और धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मं प्रसन्नं, प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव आप महान हैं, आपका तपोबल कार्य कर रहा है, आकर्षण कवच का सिद्ध होना आरंभ हो गया है। अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों के साथ सिद्ध हो जाएगा और उसके पश्चात तुच्छ वानर हो या नारायण ने संसार के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं अवश्य हो जाऊंगा सबसे। देखा आपने देवगुरु, ये शुक्राचार्य क्या करा रहे हैं? इन्हें तनिक भी भान नहीं है कि रावण ये शक्तियां पाकर क्या करेगा। शक्ति संचय की होड़ तो देवताओं ने ही आरंभ की है देवराज।
यदि देवता हनुमान को इतनी शक्तियां प्रदान न करते तो कदाचित शुक्राचार्य भी रावण को इतनी शक्तियां दिलाने के लिए यज्ञ आरंभ न करते। इस अनिष्टकारी यज्ञ को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। अरे आप सब तो रावण के यज्ञ की चर्चा में ही उलझे हुए हैं। उधर संकट मोचन हनुमान स्वयं संकट में है, उनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? हनुमान की पीड़ा भी चिंता का विषय है देवर्षि नारद, किंतु सर्वप्रथम मुझे रावण के इस यज्ञ को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, यही मेरा उत्तरदायित्व है। हे करुणा निधान, करुणा कीजिए मेरे पुत्र पर। मैंने तो आप सब देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान स्वीकार कर लिए थे और ये संकल्प लिया था कि आपका महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मुझसे जो भी योगदान हो सकेगा मैं दूंगी। मुझे ज्ञात है ये मार्ग बहुत कठिन है, हे प्रभु वरदान आपने दिया है, परीक्षा भी आप ही लेंगे। हे महादेव हनुमान को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। महादेव स्वामी, मुझसे हनुमान की असीम वेदना अब और नहीं देखी जाती। ये सत्य है कि उसने वरदान की शक्ति का प्रयोग समझदारी के साथ नहीं किया, किंतु अभी उसका विकास होना है। वह अबोध है किंतु ज्वालामुखी का मुंह बंद करने या लावा को पी जाने के पीछे उसकी लोक कल्याण की ही तो भावना है। हनुमान ने लावा पीकर अपनी प्रजा को संकट से हरा है। संसार में आप ही मुक्त करा सकते हैं देवाधिदेव, आपसे बड़ा वैद्य इस संसार में कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आपका आशय क्या है करुणामयी देवी। कैसा है, उसकी पीड़ा कुछ कम हुई या नहीं? नहीं पुत्री, राजवैद्य ने सारे उपाय करके देख लिए, जड़ी बूटियों से लेकर चंदन तक सब औषधियों का प्रयोग करके देख लिया। आसपास के अन्य वैद्यों के पास भी हनुमान के उपचार के लिए कोई औषधि नहीं है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा हमारे हनुमान का। सबको संकट से बचाने के लिए ये सब किया, अब उस संकट मोचन को संकट से उभारने कौन आएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Oh,
क्षमा चाहता हूं। क्या मेरा पुत्र अब स्वस्थ नहीं हो पाएगा? स्वामी, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। आपके दुख का कारण बन रहा हूँ ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा मत बोलो पुत्र, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया मैंने, महान संकटों में भी साहस के साथ अड़िग रहा मैं, कभी हार नहीं मानी, किंतु आज अपने पुत्र की पीड़ा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हार गया हूं मैं। तब तक नहीं हो सकती जब तक भगवान पे भरोसा है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है, देह को नष्ट कर देती है, इसलिए चिंता को त्याग कर आशावान बने रहिए। शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये कौन विभूतियां हैं? दिव्य तेज पसरा है इनके चारों ओर। कौन हो सकते हैं ये? महाराज, ये बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं, कह रहे हैं कि युवराज का उपचार कर सकते हैं। आपका स्वागत है वैद्यराज, कहां से पधारे हैं? जोगी और वैद्य का ठिकाना नहीं पूछते वाले, हम तो रमता जोगी हैं, बहता पानी, आज यहां तो कल कहीं और। उपचार करवाना है तो बताइए। करवाना है महाराज, एक बार इन्हें भी युवराज का उपचार करने का अवसर देकर देख लीजिए। हाँ हाँ सेनापति, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? किंतु महाराज, वैद्यराज मुंह मांगा शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। वैद्यराज जी, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, वचन है मेरा। आप ये सारा राजपाट ले लीजिए, आप कहेंगे तो मैं अभी ये भवन आपको सौंप कर चली जाऊंगी, किंतु मेरे पुत्र को, मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। महादेव से बड़ा वैद्य और कौन हो सकता है संसार में? अब मेरे हनुमान की पीड़ा अवश्य शांत हो जाएगी। नारायण नारायण, महादेव जैसा वैद्य तो विरले ही किसी भाग्यशाली को मिलता है।
धन्य हो तुम हनुमान जो महादेव स्वयं तुम्हारी चिकित्सा के लिए पधारे हैं। आइए वेदराज जी। जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है।